हेलो फ्रेंड्स, मैं मैडम और आज की वीडियो होने वाली है एम असिस्ट ऑफ रियली वर्कड और नॉट। क्या एम असिस्ट ऑफ पर खेलने में हमको ज़्यादा इम्प्रूवमेंट निकल कर आता है या इम्प्रूवमेंट नहीं निकल कर आता। बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो इस चीज़ को एग्री करते हैं और बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो इस चीज़ को सीधा सीधा नकार देते हैं। उनका कहना ये होता है कि अगर आप एम असिस्ट ऑफ करके खेलते हो, फिर आप जब एम असिस्ट ऑन करके खेलते हो तो कुछ दिन बाद आपकी सारी की सारी जो गेम प्लेयर्स हैं वो बैक टू नॉर्मल हो जाती हैं। इसके पीछे क्या सच्चाई है, क्या रियलिटी है, मैं आज आपको ये बताऊंगा। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स एम असिस्ट पहली बात तो होता क्या है, एम असिस्ट एक तरीके का ऑटो एम होता है, पबजी का खुद का एक फीचर होता है जिसे अगर आप इनेबल कर लेते हो तो आप जब बंदे की ऊपर स्कोपिन करते हो या बंदे की आपके जिसे सामने कोई बंदा है उसके ऊपर स्कोपिन आपने किया, उसके साइड में अगर आपका स्कोप होता है तो ऑटोमेटिकली उसकी बॉडी पर या उसके हेड पर वो ट्रेस होकर चला जाता है, ऑटो एम हो जाता है, आप उसको फिर इजीली टेक डाउन कर लेते हो। लेकिन जब आप इस फीचर को डिसेबल करते हो तो आपको ये सारी चीज़ें खुद से अपने आप से ही करनी पड़ती है। जब इसे आप डिसेबल करोगे तो क्या होता है सीन कि आपको खुद से अपना एम को बंदे के हेड पर, बंदे की बॉडी पर, क्लोज रेंज फाइट में ही फायर में आपको क्रॉस एयर आपको खुद से बंदे के ऊपर सेट करना पड़ता है। टॉपिक ये निकल कर आती है कि एम असिस्ट रियली में वर्क करता है या नहीं। अगर आप एम असिस्ट ऑफर खेलते हो क्या ये रियली वर्क करता है कि नहीं करता, या जो और बंदे बोलते हैं कि ये बैक टू नॉर्मल हो जाता है जब कुछ दिनों बाद जब आप उसको ऑन करके खेलते हो तो सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, क्या ये सच्चाई है? मैं आपको बताऊँ, पबजी का ये ऑफिशियल दिया हुआ एक सेटिंग है, अगर ये अगर इसमें कोई इफेक्टिवनेस ना होता तो कभी भी पबजी इसमें इसको अपने गेम में इंक्लूड ना करता। यहाँ तक कि जो चाइनीज़ चाइना में जो यहाँ पर टूर्नामेंट हुए हैं होते हैं, बहुत सारे टूर्नामेंट FAP में होते हैं, वो एम असिस्ट ऑफ बेस्ड होते हैं। अगर एम असिस्ट ऑन ऑफ में कोई फ़र्क ना होता तो कभी भी चाइना में ये चीज़ रूल ना होता कि आपको जितनी भी चाइनीज में टूर्नामेंट्स हो रहे हैं वो एम असिस्ट ऑफ पर बेस्ड हैं। तो इसमें फ़र्क है क्लियरली। बहुत सारे स्ट्रीमर्स के मुँह से आपने सुना होगा कि आप एम असिस्ट ऑफ खेलो आपका गेम प्ले बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। अब हमारे इंडियन जो प्लेयर्स हैं वो क्या करते हैं, वो दूसरों की वीडियो तो देख लेते हैं, जैसे आप मेरी वीडियो देखें और आप अंदर से मोटिवेट हो जाओगे कि ठीक है मैं भी एम असिस्ट ऑफ पर गेम प्ले करूँगा। लेकिन क्या होता है, आप जाते हो मैच खेलने, गेम खेलने जाते हो, आप उससे पहले एम असिस्ट ऑन करके खेल रहे थे, ठीक है, लेकिन जैसे ही आप एम असिस्ट ऑफ करते हो और TDMs वगैरह खेलते हो, क्लासिक वगैरह खेलते हो, आपकी सारी की सारी एमिंग चोक हो जाती है, आपकी एम ट्रेसिंग, आपकी हिप फायर, आपकी क्लोज रेंज फाइट सारी सारी चोक होती है और आप मारे जाते हो। तो आप अंदर से इरिटेट होते हो, फ्रस्ट्रेट होते हो और फिर से अपने आप को एम असिस्ट ऑन कर लेते हो, जो कि आप बहुत बड़ी गलती करते हो, ये आपको नहीं करना। अगर आपने ठान लिया कि हाँ मैं एम असिस्ट ऑफ 10 दिन के लिए, अगले 10 दिन के लिए खेलूँगा, पूरे क्लासिक्स एम असिस्ट ऑफ खेलूँगा, पूरे TDMs एम असिस्ट ऑफ खेलूँगा, तो आपको वो चीज़ करना है। बहुत सारे प्लेयर क्लासिक में इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो डरेंगे कि मेरा रैंक पुश, अगर वो कर रहे हैं तो चाहेंगे कि मेरा रैंक पुश खराब हो सकता है, हो सकता है। बहुत सारे प्लेयर इसलिए ना करेंगे, उनकी KD खराब हो जाएगी, वो इसलिए नहीं करेंगे। लेकिन एटलीस्ट आपको TDM में तो ट्राई करना ही चाहिए। अपना एम असिस्ट आप डिजेबल करो, डिजेबल करने के बाद आप खूब लगातार ढेर सारा TDM खेलो, इस मोटिव से एम असिस्ट ऑफ करके। TDM खेलने का भी एक अलग अलग नज़रिया था, मैं बहुत जगह TDM के खिलाफ भी होता हूँ कि आपको TDM नहीं खेलना चाहिए, लेकिन कुछ कुछ जगह मैं आपको ऐसा बताऊँगा कि आपको TDM इफेक्टिव तरीके से आप किस तरीके से खेल सकते हो। तो खैर यहाँ पर ये पॉइंट नहीं है, पॉइंट आपका ये है कि एम असिस्ट रियली में वर्क करता है या नहीं। तो फ्रेंड्स मैं खुद आप जो मेरे गेम प्ले देख रहे हो ये एम असिस्ट ऑफ पर ही बेस्ड है। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ज़्यादा ज़्यादा क्लासिक भी एम असिस्ट ऑफ पर ही खेलूँ। ये आपको कहाँ पर फ़ायदा आपको करेगा एम असिस्ट ऑफ, अगर आप सोचो, इमेजिन करो आप एम असिस्ट ऑफ TDM पूरा कर रहे हो, एम असिस्ट ऑफ आप पूरा क्लासिक खेल रहे हो, तो आपको इसमें फ़ायदा कहाँ पर आएगा, आपके क्लोज रेंज हिप फायर में, आपका जो हिप फायर क्रॉस एयर प्लेसमेंट होगा ना बंदे ऊपर वो इतना ख़तरनाक होने वाला है कि आप सोच भी नहीं सकते। आपका एमिंग, आपका क्लोज रेंज फाइट, आपका ट्रेसिंग एकदम नेक्स्ट लेवल होने वाला है, बहुत ज़्यादा आप इम्प्रूव करोगे। जो बिगिनर्स हैं जिनका क्लोज रेंज अच्छा नहीं है, जिनका एमिंग अच्छा नहीं है, ये एम असिस्ट ऑफ फीचर उनके लिए रामबाण की तरह वर्क करेगा। इसका ज़्यादा फ़ायदा कहाँ उठा सकते हो, जैसे कि आप क्लासिक हमेशा एम असिस्ट ऑफ पर खेल रहे हो, आप जब कस्टम्स में जाओगे, जब आप रूम्स खेलोगे, वहाँ पर अपना एम असिस्ट ऑन करो, वहाँ ऑन करने के बाद बूम बाम कर सकते हो आप। या बहुत सारे ऐसे कस्टम्स होंगे जहाँ पर आपको बोला जाएगा कि आपका एम असिस्ट ऑफ करके गेम प्ले है, वहाँ पर भी आप अच्छा इम्प्रूव आपने आपको अच्छे तरीके से
आप शो करा सकते हो, अच्छी तरीके से अपने गेम प्ले को आप दिखा सकते हो, क्योंकि उसमें जितने बंदे हैं वो बंदे एम असिस्ट ऑन पे खेलते थे, जब वो ऑफ पे खेलेंगे तो अच्छा नहीं खेल पाएंगे, और आप शुरू से ही ऑफ पर भी खेल रहे हो, आपका प्रैक्टिस ऑफ पर भी है, आपका प्रैक्टिस ऑन पर भी है, तो आप यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से अपने गेम प्ले को शो करा सकते हो उन टूर्नामेंट्स में, अपने आप को एक अच्छा प्लेयर आप दिखा सकते हो। तो दोस्तों एट द एंड मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको ज़रूर ज़रूर से ट्राई करना चाहिए एम असिस्ट ऑफ करके खेलना, इससे आपका क्लोज रेंज फाइट बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा, आपका हिप फायर बहुत हद तक इम्प्रूव होने वाला है। ये फीचर बोले तो बहुत ख़तरनाक फीचर है, आपको ज़रूर ज़रूर से ट्राई करना चाहिए। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और हाँ अगर आपको लगता है कि आपको अपने फ्रेंड के साथ ये वीडियो शेयर करनी चाहिए तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, और हाँ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर इनेबल कर लेना, क्योंकि आपको इसमें इस चैनल पर रियलिटी बेस्ड वीडियो हमेशा से मिलेगी। तो फ्रेंड्स चलता हूँ, बाय।